वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ऐसे हार्ट टचिंग ड्रामास की जो के आपका दिल लूट लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, नीम। ड्रामा सीरियल नीम एक शानदार सीरियल है जो कि आपके दिल को छू लेगा। जिंदगी है, अच्छे बुरे वक्त चलते रहते हैं और हमें भी चलते रहना चाहिए अच्छे बुरे के साथ। मैं कह नहीं सकती किसी से, खुद को खुद ही समझाती हूँ, किसी दिन समझ पाती हूँ किसी दिन नहीं। ड्रामा सीरियल नीम की इस नए किस्त में जिमल की मस्बत सोच ने एक बार फिर दिल जीत लिया। बहुत अरसे बाद एक ऐसी लड़की का किरदार इसी पाकिस्तानी ड्रामे में दिखाया जा रहा है जिसमें रोशन ख्याली, अकलो समझ, हसासियत, रिश्तों का तकद्दस और पुरेतमादी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस किरदार के जरिए इंतहाई खूबसूरती से दिखाया गया है कि अगर एक शख्स भी किसी मस्बत काम का बेड़ा उठा ले तो वो बहुत कुछ बदल सकता है। आजकल के दौर में जब ज्यादातर इंसान एक दूसरे में खामियां ढूंढने में मसरूफ हैं, ऐसे मस्बत किरदार दिखाना इंतहाई जरूरी है। नंबर 9, इडियट। ड्रामा सीरियल इडियट दिल को छू लेने वाली कहानी है। आजकल जो खरा सच बोले और जिसको माशरे की बुराइयों पर चढ़ा खोल साफ दिखाई दे वही इडियट कहलाता है। ऐसे इडियट ड्रामा सीरियल उस लड़के की कहानी है जो बचपन से ही अपने आप को इस सांचे में ना ढाल सका जिसमें ढल कर ये माशरा लोगों को कबूल करता है। अहमद अली अकबर ने ड्रामा सीरियल परिजात के बाद एक और मनफरद स्क्रिप्ट का इंतखाब किया। इडियट में इनका किरदार अक्सर सवाल करता नजर आता है जो लोगों ने पूछना ही छोड़ दिए। क्या आपने इस ड्रामे की पहली दो एक साथ देखी है? नंबर 8, काबुली पुलाव। काबुली पुलाव की पहली किस्त ने दिल जीत लिया। हाजी साहब का बेहतरीन किरदार किसी भी और हीरो से कहीं ज्यादा मायारी और पुरसर लगा। ड्रामे की पहली किस्त में इस मरकजी किरदार का मुसन्निफ जफर मिराज ने ऐसी महारत से तारुफ करवाया कि यह किस्त देखने के बहुत देर बाद तक हाजी साहब की खूबसूरत सोच और शख्सियत ख्यालात का मरकज रही। मोहम्मद एहतशामुद्दीन की कमाल अदाकारी ने इस किरदार में ऐसी जान डाली है कि अब बेताबी से अगले किस्त का इंतजार है। अगर आपने ये पहली किस्त नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तेरे बिन में हया का मनफी किरदार निभाने के बाद सबीना फारूक को जिस कदर तनकीद का निशाना बनाया गया उसके बाद उनको काबुली पुलाव में बारबीना का किरदार इंतहाई महारत से निभाता देखकर खुशी हुई। सबीना ने बारबीना के किरदार की मासूमियत और उसकी शख्सियत में जो खुलूस है उसे चार चांद लगा दिए। नंबर 7, गुनाह। ड्रामा सीरियल गुनाह एक हार्ट टचिंग सीरियल है जिसमें सबा कमर और सरमद खोसट मेन रोल में है। वैसे तो आजकल पाकिस्तानी ड्रामों की हालत इस कदर पतली है कि कोई भी ऐसा ड्रामा जिसकी कहानी में औरत की बेबसी और विचारगी का तड़का ना लगाया हो सराहे जाने के लायक है। लेकिन इन हालात में अगर कोई ऐसा ड्रामा देखने को मिल जाए जो हर एतबार से अछूता और मुतासिर कुन हो तो एक उम्मीद जागती है कि शायद अभी भी कुछ चैनल और प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो ड्रामा शायकीन को बेवकूफ और कम अकल नहीं समझते। गुनाह ऐसा ही ड्रामा है जिसमें कहानी दिखाने का अंदाज सबसे अलग है। बेहतरीन हिदायतकारी और कमाल की अदाकारी की वजह से हर किस्त लाजवाब होती है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट तेजी से पाकिस्तानी ड्रामों में वो बदलाव ला रहा है जिसके लिए हम सालों से इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे ड्रामों को देखना और इन्हें वही रेटिंग देना जो बेकार ड्रामों को मिलती है नाजरीन की जिम्मेदारी है। नंबर 6, कुछ अनकही। कुछ अनकही रीसेंट लव स्टोरी है। आलिया एक मतवस्त तबके की नौजवान औरत है जो अपने वालिदैन आगा जान और शमू बेगम और अपनी दो बहनों समिया और तानिया के साथ रहती है। आलिया मजबूत है, रियल इस्टेट में काम करती है और अपने घर की कमाई करने वाली है। आगा जान अपने घर पर जायदाद का मुकदमा लड़ रहे हैं जो उनके बकौल उनके वालिद मरहूम की वरासत के तौर पर उन्हें दिया गया था। आगा जान के पास अपने वालिद की वफात से कबल ये घर तोहफे में दिए जाने का कोई तहरीरी सबूत नहीं है जिस पर उनके देगर बहन भाई एतराज करते हैं और अपने जायज हिस्से का मुतालबा करते हैं। उसके खिलाफ उसे गैर कानूनी तौर पर इस मसले को हल करने की इजाज़त नहीं देते, हालांकि उसे मौका दिया गया था और उसके पास इतनी रकम भी नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर घर खरीद सके और इसे अपनी बेटियों की शादियां करवाने और इस अदालती केस को लड़ने और अपने बच्चों को उनके जायज हकूक दिलाने की कोशिश करते हुए बहुत सी आजमाइशों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, ये इश्क। ड्रामा सीरियल ये इश्क AIY का मकबूल तरीन सीरियल है। ये इश्क हमारे मुआशरे के उस पहलू की तरफ इशारा करता है कि आज के जदीद दौर में भी नौजवान अपनी जिंदगी के अहम फैसलों को अपनी ख्वाहिश के बरखिलाफ कबूल करने पर मजबूर है। कहानी मोहब्बत की रवायती दास्तान पर मुश्तमिल है जिसमें दो मोहब्बत करने वालों को अपने घर वालों की खातिर अलहदा होना पड़ता है। ड्रामे के मरकजी किरदार मशकार और मौज एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन दोनों की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। इसमें एक और किरदार अन्ना जी का दिखाया गया है जो एक ताकतवर और मजबूत शख्सियत के तौर पर नजर आती है। बज़ाहिर यूं मालूम होता है कि अन्ना जी पूरे घर वालों की जिंदगी के फैसलों का इख्तियार अपने हाथ में रखती हैं और मौज की शादी किसी और से करवाने का फैसला भी उन्हीं का है। ड्रामे का सबसे मुनफरद पहलू इसका मरकजी किरदार मशकार है जो मरूफ गुलूकार गौहर मुमताज की बीवी अना महमद अदा कर रही हैं।
अनम गौहर एक मॉडल है और शादी के बाद भी वो अपना करियर जारी रखे हुए हैं। नंबर 4, प्यारी मोना। प्यारी मोना दरअसल मोटी लड़की और मोटे लड़के की कहानी है। मोटी मोना असल में मोटे दिमाग को नॉर्मल करने की तरफ एक कामयाब और हसीन कदम है। कहानी मोना के गिर्द घूमती है। मोना एक मोटी मगर समझदार, बादशोर और हसास लड़की है जो अपने फैसले भी खुद करने की सलाहियत रखती है। अपने भी आने वाली मुश्किलात को सहने की हिम्मत भी रखती है, जबकि उसकी बहन समिया उसका तजाद है। वो सारी उम्र माँ के खातिर, उसके बाद शौहर की खातिर अपने हर तरह के जज्बे और ख्वाहिशात कुर्बान करती आई है। बतूरे बेटी और बतूरे बीवी वो एक आइडियल लड़की है, लेकिन सबके लिए अच्छा बनने में उसकी जात की इतनी नफी हो जाती है कि वो डिप्रेशन से मर जाती है। उसके वालिद और बहन मोना को अंदाजा था कि समिया को स्लिम स्मार्ट आइडियल बीवी और बेटी बनने के लिए क्या क्या कुर्बानी देना पड़ रही है। उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासर होते हुए बात यहाँ तक पहुँचती है कि वो जिंदगी से हार जाती है। नंबर 3, तुम मेरे ही रहना। तुम मेरे ही रहना एक हाई ग्रॉसिंग सीरियल है। इसके मरकजी किरदार है रानिया और नुमैल। नुमैल रानिया की फूफी का बेटा है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों की मंगनी भी हो जाती है, लेकिन तभी रानिया की माँ दरमियान में आ जाती है, जो दौलत के लालच में इस मंगनी को तोड़ देती है। लेकिन रानिया और नुमैल घर से भाग कर शादी कर लेते हैं। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आता है जब अना की जंग में एक दिन रानिया के बाप के हाथों नुमैल के भाई का खून हो जाता है और नुमैल का भाई अजीबोगरीब शराइत पर रानिया के बाप को माफ कर देता है। वो क्या शराइत थी ये जानने के लिए आपको ड्रामा तुम मेरे ही रहना देखना पड़ेगा। तो मेरे ही रहना सैयद वसी शाह की तहरीर है, हदायत आसिफ यूनिस ने दी है, पेशकश सिक्स सिग्मा की है, जबकि अदाकारों में मिकाल और वाह, सबा हमीद, वसीम अब्बास, हुमा हामिद, राशिद महमूद, उज्मा हसन, किरण हक और सुहेल समीर शामिल हैं। नंबर 2, झोंक सरकार। झोंक सरकार निजी टीवी की सुपरहिट सीरियल परिजात की माया नाज टीम की पेशकश है। झोंक नामी कस्बे के घूमते इस ड्रामे की दिलफरेब कहानी इक्तदार, हिवस और इंसाफ जैसे मौजूदात का अहाता करती है। ये ड्रामा सीरियल ताकत और असर रसोख के जाल में फंसे इस कस्बे के सादा लोग बाशिंदों को दरपेश जदोजहद पर रोशनी डालती है। झोंक सरकार एक पुरजम और दयानतदार पुलिस ऑफिसर अरसलान की कहानी है, जो बेखौफ होकर नाइंसाफी के खिलाफ सीना सुपर है। झोंक में कायम जुल्म की भूल भलाइयों और समाजी बुराइयों को अपने गैर मुतजल्जल अजम से पार करने के मिशन के साथ आगे बढ़ता है। ये काम सहल नहीं, क्योंकि इस सफर में उसे एक बेरहम बाप बेटे की जोड़ी वीरल और मीराल का सामना है और पूरा झोंक उनकी सफाकियत का शिकार है। बासलाहियत आशिम नदीम की तहरीर करदा और सैफ हुसैन की हिदायतकारी में बनने वाली सीरियल झोंक सरकार में दिल में उतर जाने वाले तमाम अज्जाए तरकीबी, दिलचस्प उतार चढ़ाव यानी सनसनी, मजबूत किरदार निगारी और दिल मोह लेने वाले डायलॉग शामिल हैं। इस ड्रामे के जानदार कास्ट में हिबा बुखारी, फरहान सईद, माहम शाहिद, आसिफ रजा मीर, मलिक रजा, सकीना समूह, असद मुमताज मलिक, साद अजहर, अदील अफजल और दीगर से सजी है। नंबर 1, गुरु। ड्रामा सीरियल गुरु एक हार्ट टचिंग सीरियल है। इस हफ्ते की किस्त में बतौरे बाप गुरु के तासुरात, एहसासात और ख्वाबों की इस खूबसूरती से अकासी की गई है कि ड्रामा देखते हुए जैसे भूल गया हो कि ये सब हकीकत नहीं है। गुरु कहानी है बाप के प्यार और कुर्बानी की और उन तमाम इंसानों की जो दिलो जान से इस बाप के ख्वाब सच करने के लिए उसके साथ खड़े है। प्रोफेसर साहब और उनकी बीवी का मस्बत किरदार देख कर दिल खुश हो जाता है। इमाम साहब का किरदार भी मुख्तलिफ और पसंद किए जाने के लायक है। ये ड्रामा देखने के बाद यकीनन गुरु जैसे तमाम लोगों के बारे में नाजरीन की राय जरूर बदली होगी। अली रहमान की जितनी तारीफ की जाए कम है। रवायती हीरो के किरदार अदा करने वाले अदाकार के लिए ऐसा चैलेंजिंग किरदार निभाना यकीनन आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस किरदार के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है। गुरु देखिए ताकि ऐसे ड्रामे ज्यादा बने और हमें घिसी पीटी कहानियों से निजात मिले। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।